सागर जिले की राहतगढ़ जनपद पंचायत की एक पंचायत आज का भ्रष्टाचार की पर्याय बनी हुई है। यहाँ पर कई विकास कार्यों की राशि सरपंच सचिव द्वारा निकाली गई है और मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया। मामला राहतगढ़ जनपद की मोहुना गुर्जर पंचायत का है, जहाँ के निवासियों ने जिला CEO को एक पत्र के माध्यम से पंचायत में किए गए भ्रष्टाचार को उजागर किया है। साथ ही लोगों ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें पंचायत द्वारा सरेआम JCB चलाकर कुएं का निर्माण कराया जा रहा है। पत्र में बताया गया कि पंचायत द्वारा एक तालाब, ग्रेवल सड़क, फलोद्यान, वृक्षारोपण, कपिलधारा, कूप निर्मल, नीर आदि के निर्माण कार्य किए गए हैं, जिनकी राशि निकाल ली गई और धरातल पर काम का नामो निशान भी नहीं है। पत्र में लगभग 11 विकास कार्यों की जानकारी दी गई है। साथ ही फर्जी तरीके से जिन मजदूरों के नाम पर राशि निकाली गई, उनके भी नाम दिए गए हैं। भ्रष्टाचार की अब हद पार हो गई है, जब गाँव ही के एक हितग्राही के खेत में तालाब के निर्माण के नाम पर फर्जी मस्टर लगाकर राशि का आहरण किया गया, जबकि जिन लोगों मस्टर लगाए गए हैं वह गांव के नामी गिरामी आदमी है। साथ ही इस मामले पर शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पंचायत में अधिकतर कार्य मशीनों द्वारा कराए जाते हैं, फर्जी मस्टर लगाकर राशि निकाली जाती है। इस फर्जीवाड़े में जनपद CEO का कहना है कि कमेटी बनाकर मामले की जांच की जाएगी। वृक्षारोपण नर्सरी है, बहुत पैसा निकलो है, एक भी पेड़ नहीं लगा, लगभग पिछले साल का हुआ है, इस साल कोई वृक्ष नहीं लगा। तालाब खुदा है, इसमें उत्खनन हुआ, ये भी मशीन से खुदा है, कुगा भी मशीन से ही खुदा है, और चौकीदार वगैरह यहाँ, और चौकीदार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पानी को हेट वो ट्यूबवेल लगा, कुगा है तालाब में, आप देख लो स्थिति, पानी भी नहीं है। और बोर है यहाँ पर, बोर भी है, बोर कब हुआ था? बोर हुआ था पिछले साल। तो यहाँ जो चौकीदार पानी डालने के लिए कोई नहीं आता है। बाउंड्री है क्या उद्यान की? कुछ नहीं है। तार फेंसिंग थी क्या पहले? तार फेंसिंग पहले थी, फिर उखाड़ ले गया, तार घरे लगा ला उसने तो। और ये तालाब की मरम निकाली गई है, ये रोड पर डली है, उत्खनन हुआ है, ये एक दतिया से रोड डला है उधर नाले का जी, उस पर मरम गई है, एक भी मनुष्य का काम नहीं हुआ। जब मवेशी चल रही देखो आप, तला का उत्खनन हुआ है, इसमें ना एक मंजूर ने काम किया, सरकारी नर्सरी में तला खोदा हुआ है और इसकी पूरी मरम रोड पर डाली गई है, उसके घर है जो रूढ़ हो है, खेत काज लेगा। इस साल जो नर्सरी के लिए पैसा मंजूर हुआ था, पौधे आए थे, वो लगाए गए क्या? कुछ नहीं लगाया गया। ये पिछले साल के? ये तो पहली पंचवर्षीय की। इस साल कुछ नहीं, इस साल एक भी पेड़ नहीं लगा, तालाब भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। बताए तला के बारे में क्या है, कैसा है इसकी? जानी सवा 3 लाख रुपया राशि है इसकी, मैं स्वीकृत राशि 337, इसमें से कुल इसमें से 75,000 रुपये की राशि निकल गई है, और मात्र इसमें से कहा 1.5 घंटा JCB चली, बस तला का काम इतना हुआ। मजदूरों से काम नहीं कराया? नहीं, मजदूरों का नहीं। वो कहाँ से मट्टी उठाई गई जी? मट्टी वहीं की वहीं वही डाल दी गई। हाँ, वही डाल दी। कब हुआ काम ये? ये जून का, जून में हुआ था काम। वहाँ का मामला, वहाँ से एक शिकायती आवेदन आया है, जिसके लिए कमेटी बना के जांच कराई जा रही है। शिकायत साल हो रहा है, बहुत शिकायतें आएंगे उसमें, ग्रामवासियों का कहना है कि भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।